इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 33 इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 33 मनुष्य का राज्य। जब मनुष्य राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिया ने तोड़ दिया था फिर बनवाया, और बाल नाम देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नाम मूरतें बनाई, और आकाश के सारे गण को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गण के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने हिम्मोन के बेटे की तराई में अपने लड़के बालों को होम करके चढ़ाया, और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझो और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा के दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। और उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापन की जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इसराइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं अपना नाम सर्वदा रखूंगा, और मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उसमें से इसराइल फिर मारा मारा फिरे। इतना अवश्य हो कि वे मेरी सब आज्ञाओं को अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों को पालन करने की चौकसी करे। और मनुष्य ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से विनाश किया था। और यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़िया जकड़कर उसे बाबेल को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गिहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहरपनाह बनवाई, फिर ओपेल को घेरकर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिया। फिर उसने पराए देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी उन सबको दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेलबलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इसराइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। तब भी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते रहे परंतु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। मनुष्य के और काम और उसने जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से की और उन दर्शियों के वचन जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उससे बातें करते थे यह सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ है। और उसकी प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई और उसका सारा पाप और विश्वासघात और उसने दिन होने से पहले कहां कहां ऊंचे स्थान बनवाए और अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तियां खड़ी कराई यह सब होशे के वचन में लिखा है। निदान
मनुष्य अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसी के घर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आमोन का राज्य। जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसने अपने पिता मनुष्य की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और जितनी मूर्तियां उसके पिता मनुष्य ने खोदकर बनवाई थी वह भी उन सबों के सामने बलिदान करता और उन सबों की उपासना भी करता था और जैसे उसका पिता मनुष्य यहोवा के सामने दीन हुआ वैसे वह दीन न हुआ वरन आमोन अधिक दोषी होता गया और उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी और लोगों ने उसके पुत्र योशियाह को उसके स्थान पर राजा बनाया।